हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। चलिए आज बनाते हैं वुमेंस डे पे एक प्यारी सी ड्राइंग। इसके लिए हमने लिया अपना A3 साइज़ का ये ड्राइंग बुक और इस पर इस तरह से राउंडर से मैं एक सर्कल बना रही हूँ। राउंडर से इस सर्कल को बनाने के बाद अब इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। एच शेप को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको हम हल्का सा डबलिंग कर लेंगे और टबलिंग करने के बाद वन साइडेड फेस ड्रॉ करेंगे। हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इस ड्राइंग को बहुत ईजी ड्रॉ कर पाएंगे। हाफ फेस ड्रॉ करने के बाद साइड में हम इस तरह से एक लीप जैसा पैटर्न बनाएंगे और उस पर 3 लीप ड्रॉ करेंगे। सभी लीप को हम डबलिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। अब जो हम लीफ के साइड वाला सर्कल है उसे इरेज कर देंगे। अभी हमारा ये पिक्चर बनके रेडी हो गया है। अब हम राउंडर से लीफ को अंदर लेते हुए एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे और अब हमको यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करना है। हम यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक कलर को फील करने के लिए आप एक्रेलिक कलर की जगह और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑयल पेस्टल कलर, वाटर कलर, पेंसिल कलर, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो यूज़ कर सकते हैं, या ब्रश पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत ईजली आप अच्छे से ये ब्लैक कलर फील कर पाएंगे। बच्चे हैं तो एक्रेलिक कलर करना दिक्कत हो सकती है, तो आप जो भी कलर से ब्लैक कलर फील करना चाहें फील कर सकते हैं। बस कलर को फील करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमको ब्लैक कलर कहाँ कहाँ फील करना है, उसको बहुत ध्यान से देखकर फील करें। और अगर आप वाटर कलर या एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं तो बॉर्डर बनाने के लिए पतले ब्रश का यूज़ करें, फिर मोटे ब्रश से आसानी से उसमें फिलिंग का काम कर लीजिए। अब ये जो वाइट जगह बची हुई है इसमें हम एक्रेलिक पर्ल का ब्रॉन्ज कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक शाइनिंग होती है। पर्ल कलर है इसलिए इसमें शाइनिंग होती है। आप कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं ब्रश से ही कर रही हूँ एक्रेलिक कलर का यूज़ करके। अगर आप एक्रेलिक कलर या वाटर कलर नहीं यूज़ करते हैं तो आप ब्रश पेन या जो भी कलर यूज़ कर सकते हैं उससे भी ये ड्राइंग इजीली बना सकते हैं। कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा आईब्रो बना लेंगे। अब हमारा ये बीच का ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो हम इस पर टेप लगा रहे हैं बॉर्डर क्रिएट करने के लिए और हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। ये मास्किंग टेप है जो इसलिए किसी भी शॉप पे मिल जाती है। वाटर कलर का यूज़ करने के लिए मैंने पहले पेज पर हल्का सा वाटर स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कलर लेंगे और इस तरह से पेज पे स्प्रेड करते जाएंगे। हम यहाँ पे मल्टी कलर का यूज़ करेंगे। हमारा अपना जो बैकग्राउंड बनाएंगे हम उसको मल्टी कलर में बनाएंगे। इसको स्प्रेड करने के लिए पहले ब्रश में हमको वाटर लेना है और उसको पूरे पेज पे इस तरह से फैला देना है। उसके बाद जब हम इस पर कलर लगाएंगे तो वाटर की वजह से वो अपने आप अच्छे से स्प्रेड होता जाएगा। इस तरह से आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी कलर आपको लेना है, जो भी कलर आप बैकग्राउंड में करना पसंद करते हैं, उसको आप वाटर कलर से इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप वाटर कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप जैसे प्लास्टिक क्रियॉन्स या पेंसिल कलर से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर लाइटली यूज़ किया जा सकता है। वाटर कलर यूज़ करने के बाद सूखने के बाद पेज थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रेस से हल्का सा प्रेस कर दिया है रफ पेज रख के, तो ये फिर से एकदम पेज हमारा अच्छे से सीधा हो गया।
उसके बाद जो हमने टेप लगाया था उसे हम निकाल देंगे और ब्लैक कलर के पेन से हम इस तरह से जो हमारा ये बॉर्डर क्रिएट हुआ था वहाँ पे रूलर की मदद से लाइन खींच रहे हैं। सारी लाइनें हम डबलिंग कर रहे हैं, डबल डबल लाइन खींच रहे हैं, थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा स्पेस देके हम डबल लाइन खींच रहे हैं। अब दूसरी साइड से भी लाइन खींच के हम एक बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। चारों तरफ ये बॉर्डर क्रिएट करने के बाद हम इसमें मंडला का काम करेंगे। इसमें हम जो भी मंडला का वर्क कर रहे हैं वो बहुत इजी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप ये मंडला का ड्राइंग कर सकते हैं। जिगजैग लाइन खींच के हमने नीचे वाली लाइन में खाली स्लिपिंग लाइन खींची है और ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है उसमें थ्री ड्रॉप शेप को बना के हम उसमें कलर फिल कर देंगे। इसी तरह हम चारों तरफ के बॉर्डर को क्रिएट करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने ब्लैक डॉट पेन का यूज़ किया है। आपके पास जो भी पेन हो ब्लैक कलर का वो यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ स्केच पेन से भी बना के आपको दिखा रही हूँ। आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी है उससे इस तरह से आप मंडला की डिज़ाइन ईजिली अच्छे से बना सकते हैं और ये बहुत ईजी डिज़ाइन है, आप बहुत आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चे बिगनर कोई भी इसे बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकता है। नीचे के ट्रायंगल में बारीक पतली पतली स्लिपिंग लाइनें हम खींचेंगे और ऊपर के ट्रायंगल में हम थ्री ड्रॉप शेप बना के ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर क्रिएट हो जाने के बाद अब हम राउंडर से पेंसिल की मदद से एक इंच की दूरी को छोड़ के एक राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर हाफ इंच की दूरी छोड़ के दूसरा राउंड बनाएंगे। फिर एक एक इंच की दूरी पे हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और लाइन खींच देंगे जिससे जो भी डिज़ाइन हम ड्रॉ करें वो एक बराबर आए, इक्वल साइज़ में है। मंडला की डिज़ाइन बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा सारा पैटर्न एक बराबर आए। अब जो हमने पॉइंट बनाया है उस पर लाइन खींच लेंगे जिससे इसके अंदर जो भी हम डिज़ाइन फील करें वो सभी डिज़ाइन एक बराबर हों। इस तरह से बेस बनाने के बाद परमानेंट मार्कर की सहायता से हम इस पर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। एस का शेप बनाते हुए एक साइड से हम उसमें राउंड करके सर्कल बना देंगे और जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उसमें ये बनाने के बाद ऊपर से हम सिंपली जो दूसरी लाइन हमने सर्कल की खींची है वहाँ से नीचे जो जॉइंट है एस का वहाँ पे हम इस तरह से फ्लावर का डिज़ाइन देते जाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है और जो हमने पेंसिल से सर्कल खींचा वो इसलिए खींचा कि हमारी सारी डिज़ाइन इक्वल बने, बड़ी छोटी ना बने। जब हमारा डिज़ाइन बन के क्लियर हो गया तो हमने इरेजर से जो पेंसिल की लाइनें थी उसको इरेज कर दिया। अब हम इसमें फिलिंग का काम करेंगे। बहुत सिंपल फिलिंग है, स्टैंडिंग लाइन और यू शेप के साथ आप बहुत इजीली इसे बना सकते हैं। बस एक बार ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से बच्चे बिगनर कोई भी बहुत आसानी से मंडला का डिज़ाइन फील कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये ड्राइंग बन के रेडी होगी जिसमें हमने वाटर कलर एक्रेलिक कलर का यूज़ करके मंडला पैटर्न के साथ ये ड्राइंग कंप्लीट किया है। ड्राइंग पसंद आई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू।